नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। मनीष जी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर तो ऐसा लगता है असम में पहुंचते ही घोर अन्याय हो गया, उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई। एक्चुअली क्या है ना कि असम के मुख्यमंत्री को कभी राहुल गांधी अपना घरेलू नौकर ही समझते थे। ये बात खुद ही हेमंत बिस्व शर्मा ने कई बार बताया है कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ जब उन्होंने मीटिंग तय की उस समय, जो असम के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे या उम्मीदवार मुख्यमंत्री कंटिन्यू रह रहे थे गोगोई साहब के खिलाफ, दोनों के बीच जब टकराहट चल रही थी तो राहुल गांधी को मध्यस्थता करनी थी। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, और जब हेमंत बिस्व शर्मा ने, कहा जाता है कि जब पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया गुलाम नबी आजाद के द्वारा, उसमें बताया गया कि असम में सबसे ताकतवर नेता हेमंत बिस्व शर्मा है, लेकिन जो दरबारी कल्चर कांग्रेस की है, सोनिया परिवार की है, गांधी परिवार की है, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे थे। इसकी पूरी तरह से इसको विस्तार से बताया है हेमंत बिस्व शर्मा ने कि कैसे उनका जो पिद्दी, जो कुत्ता राहुल गांधी का है, वो जिस बिस्किट को जूठा करता था उस बिस्किट को खा करके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। तो ये बात जब बाहर लोग कहते हैं तो लोग समझते हैं चलो ऐसे ही होता है, लेकिन जब कांग्रेस का एक इतना कद्दावर नेता ये बात कहता हो, तब से हर कांग्रेसी के लिए, आज की डेट में देखिए के लिए, एक आम कांग्रेसी भी सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता है तो नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में सबसे ज्यादा नफरत वो असम के मुख्यमंत्री से करता है। यही वजह है कि सीधे तौर पर राहुल गांधी आमतौर पर मोदी के अलावा दूसरे किसी भाजपाई नेता पर अटैक नहीं करते। असम गए तो उन्होंने सीधा अटैक किया है असम के मुख्यमंत्री को। राहुल गांधी को अक्सर आप देखेंगे तो मोदी, अडानी, अंबानी इससे बाहर नहीं जाते, उन्हें एक तरह से स्ट्रेटजिकली बताया गया कि आपका कद बहुत बड़ा है, आप तो बस धरती के सबसे बड़े, एक तरह से इस सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह टाइप के हैं आप, तो उन्हें लगता है कि मोदी के अलावा मुझे किसी पे हमला नहीं करना, कोई लायक नहीं। लेकिन ऐसा क्या है कि हेमंत बिस्व शर्मा पर अटैक करते हैं और कहते हैं कि इस देश का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है। सोचिए, उन्हें सब फिट लगता है, उन्हें योगी जी फिट लग रहे हैं, उन्हें राजस्थान से लेकर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री फिट लग रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश में इतने दिनों तक राज करने वाले कमलनाथ फिट लग रहे हैं, सभी फिट लग रहे हैं, सबसे भ्रष्ट उन्हें असम का मुख्यमंत्री लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि वो ज्यादा चोट उन्हें पहुंचा रहा है। यही वजह है कि वहां जाकर के हमलावर हो गए, और असम में मुझे लगता है कि प्लानिंग कहीं ना कहीं इनकी थी, कोई अव्यवस्था फैले, कोई दंगा फसाद हो, क्योंकि सेंसेटिव है स्टेट, है सेंसेटिव स्टेट इसलिए कि 33% लगभग मुस्लिम है, बांग्लादेशियों का बहुत बड़ा है, तो कांग्रेस को लगा कि यहां अपना एजेंडा हम आसानी से साध पाएंगे, लेकिन हेमंता ने ये करने नहीं दिया। और जो ही उन्होंने साजिश रची कि गुवाहाटी के उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से हम निकले, जहां वो चाहते हैं कि जहां से भीड़ हो वहां से निकले ताकि रैली में लोग भीड़ दिखे, भीड़ दिखाई कहीं दे नहीं रहा उन्हें, तो यही खेल किया, इसीलिए एफआईआर दर्ज हो गई है। और अब तो हेमंता बिस्व शर्मा ने खुल करके कह दिया है, उन्होंने आपने सुना होगा उनका, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, चुनाव के बाद गिरफ्तार भी करूंगा, और वो इसके जो आयोजक हैं पूरे रैली के, जो संयोजक हैं वहां पर असम में, वो कोई के बी विजय करके हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया और धमकाया है कि राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और यकीन मानिए हेमंता बिस्व शर्मा कुछ दूसरे मूड के व्यक्ति हैं, वो कर भी सकते हैं, पवन खेरा इस बात को जानते हैं। अब कोई सिब्बल यदि होगा तो सुप्रीम कोर्ट से बचा लेगा राहुल गांधी को, लेकिन असम में आप देखिए कि हर कोई आजकल गिरफ्तार होकर के, पंजाब में का जो रंगरूट जो था खालिस्तानी आंदोलन चलाने का, दो दो कौड़ी के चिरकुट को बड़ा आतंकवादी बनाने की कोशिश की गई थी, उठा करके असम में ही डाला गया है। तो आप देखिए जितने खूंखार लोगों को डाला जाता है जेल असम में ही डाला जाता है, तो असम में बहुत बढ़िया जेल तैयार है कि ज्यादा उदंडता करेंगे तो इनके जो बॉस हैं वो भी जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, तो खुद हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं। पर मनीष जी, जो रूट तय होता है, एक तो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, भारत न्याय यात्रा, आखिर वो न्याय दिला किसको रहे हैं? सवाल तो यही उठ रहा है। जो यात्रा पूर्व से पश्चिम को जा रही थी, तो पूर्व से तो शुरू ही नहीं हुई, उसे तो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होना चाहिए था, लेकिन मणिपुर से शुरू हुई। और जब वो असम में पहुंच भी गए, तो असम में रूट बदलने की क्या जरूरत थी? इसीलिए तो गुस्सा गए ना असम की सीएम, उन्होंने कहा ये मियां यात्रा है, ये उन्हीं इलाकों से जा रही है जहां पर घुसपैठिए बसे हुए हैं, ताकि राहुल गांधी अपने वोट बैंक को साध सके। तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? आप एक तयशुदा रूट पर ही चलेंगे ना अगर यात्रा लेकर जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है करीब मेरे व्यूवर्स यदि, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हम लोगों के कॉमन हैं, उन्हें पता होगा कि मैं अपने शो में अक्सर इस बात को रूट को समझाया था कि ये रूट कैसे किस इलाके से निकल रहा है, कैसे असम के किन किन इलाकों में जा रहा है, फिर बिहार में, चूंकि मैं बिहार से हूं तो मैं जानता हूं कि बिहार में देखिए किशनगंज जो है वो कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा संख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है, कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट के बाद लगभग 80% मुस्लिम है, किशनगंज से, कटिहार से, पूर्णिया से, बिहार के उसी सेंसिटिव इलाके से गुजरता है, असम में भी वहीं से गुजर रहा है, बंगाल में भी आपने उन्हीं सब जिलों को टच किया है, तो हमने लगातार करीब 20-25 दिन पहले से कई बार इस मुद्दे को उठाया कि गृह मंत्रालय को बड़ा सचेत रहने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि सरकार सचेत होगी, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि एक एक जर्नलिस्ट के रूप में कि जो चीजें समझ में आती है उसे सिस्टम तक पहुंचाया जाए ताकि कहीं इस तरह की का उपद्रव ना हो। हमने अपने कई शो में इस बात को जिक्र किया, क्योंकि हम मैं बता रहा हूं जैसे कि बहुत सारे दर्शक कॉमन है उसको, वो जानते हैं इस बात को, कल रात में भी हमने हम लोगों ने इस पर चर्चा की और यही बात हेमंत बिश्व शर्मा ने कह दी। मुझे लगता है कि एकदम वही बात उन्होंने थोड़ा ज्यादा खुल करके कहा, हमने बताया कि किन किन इलाकों से गुजर रहा है, किशनगंज, पूर्णिया, अब कटिहार जो बिहार का इलाका है, बंगाल में भी उन्हीं सब जिलों को देख लीजिए आप, दक्षिण में जहां जहां टच कर रहे हैं वही जिले हैं, उत्तर प्रदेश, तो ये ऐसा क्या है? कांग्रेस को जब भारत विभाजन उसने हिंदू मुस्लिम पे किया तो उसे, मुझे तो कई बार लगता है कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर स्वीकार कर लेना चाहिए था जब इसे इस देश को मुस्लिम राष्ट्र के लिए बनाना था, ये एजेंडा समझ में नहीं आता कि इन्हें एकदम से लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि थोक वोट वहां से मिलता है, हम उसे बहुत आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं और थोक वोट हमें हासिल हो जाता है, इसी थोक वोट के लालच में कांग्रेस ये कांड कर रही है, जिससे हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि ये मियाँ यात्रा नहीं है, ये मियाँ यात्रा है, और ये इस तरह से खुल करके कई बार मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी नहीं बोलते हैं जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं, जिस तरह से उन्होंने मदरसों पे कहा, उन्होंने कहा कि जो मुसलमान की बहू बेटियां हैं वो सिर्फ ये लड़के सिर्फ इमाम नहीं बनेंगे, इन्हें डॉक्टर इंजीनियर हमें बनाना है, हमें उन्हें अच्छा इंसान बनाना है, हमें एक देश का जागरूक नागरिक बनाना है। अब कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि बहुत लोग सवाल करते हैं कि जो अपने आप को समझते हैं कि भाई लखैत हिंदू जिसको हम लोग कहते हैं कई बार, कि उन्हें लगता है कि वो आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि तृप्तिकरण करते हैं या फिर यूं कहे कि मोदी की योजनाओं से मुसलमानों को ज्यादा फायदा हुआ है और आंकड़े पर ये शो शो किया जा रहा है, ये सच है कि तुष्टिकरण के इस दौर उस दौर में इस देश में मुसलमानों को, मैं अक्सर कहता हूं जब मैं कांग्रेस की रिपोर्टिंग करता था तो मैं देखता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उर्दू अखबार के रिपोर्टर हैं उन्हें सिर्फ ये मतलब रहता था कि दिल्ली की सरकार या केंद्र की सरकार कितने इमामों को कितना 100 रुपए बढ़ा दिया, कितने मदरसा के शिक्षकों को कितना बढ़ा दिया, आम मुसलमानों के लिए क्या हुआ इसकी कोई चिंता नहीं थी, उनकी गलियों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, बिजली नहीं पहुंच रहा, सड़क नहीं पहुंच रहा, आज देखिए उज्ज्वला योजना का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिला है, शौचालय का परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिला है, हर चीज देख लिए, इसीलिए इन लोगों को एक भ्रम है कि मुस्लिम महिलाएं हमें वोट देंगी, ऐसा भ्रम है, और वैसे टूटन हो रहा है। मुझे याद है कि आज तक की एक महिला रिपोर्टर है, उसका एक बिहार का एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत तेजी में 2019 के चुनाव में, कि उसके पति से पूछ रहा है, महिला रिपोर्टर पूछ रही है कि किसको वोट देंगे आप, तो कह रहे जिन्हें वोट डालते थे उन्हें ना डालेंगे, तो किसको डालेंगे, तो ललटेन पर डालते थे ललटेन पर डालेंगे, फिर वहीं पर खड़ी उससे पतली से पूछा जा रहा है किसको आप वोट डालेंगे, तो कह रहा मोदी जी को डालेंगे, तो फिर वो रूल लूट करके लौट करके उसके पति से पूछती है कि आप तो पत्नी तो आपकी कह रही है कि हम तो लालटेन को नहीं वोट डालेंगे क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को, बहुत हमारा जीवन सुधार दिया है हम लोगों का, तमाम सुविधाएं मिली है, शौचालय मिला है, उज्ज्वला, तो कहता जिन्हें वो डालेंगे उन्हें हम भी डालेंगे, मतलब वो कहते कि मेरी बीवी जिधर जाएगी उधर ही तो हम भी जाएंगे ना, तो एक मैसेज कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत फर्क पड़ता है, और इसलिए ऐसा नहीं पहले जो पति तय कर देता था कि हाँ हम इसी को पार्टी को वोट जाए, अब इस सोशल मीडिया के दौर में बहुत फर्क पड़ा है, तो ऐसा लग रहा है सरकार को कि हम यदि जन जन तक अपनी चीजों को पहुंचा रहे हैं, और यही बात दावा हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि मदरसा कल्चर जिससे आमतौर पर आतंकी पैदा लेते थे या तो आतंकी पैदा लेते थे या मौलाना बनते थे, इससे ज्यादा क्या होता था, इसीलिए हेमंता कहते हैं कि सबको मौलाना सबको आतंकी नहीं या आतंकी नहीं बनना है, इस देश को एक गंभीर सीरियस नागरिक चाहिए, जागरूक नागरिक चाहिए, इसीलिए मदरसा नहीं, उन्होंने मदरसा खत्म किया, स्कूल चलाया, और इसीलिए कहा कि यह यात्रा दरअसल उन्होंने इंडिकेट किया कि बांग्लादेशियों की यात्रा है, असम से ही क्यों शुरू, आप असम को ही मेन टारगेट क्यों बनाया, आपने मणिपुर को ही मेन टारगेट क्यों बनाया है, ये समझ में नहीं आता कि आप अरुणाचल प्रदेश, आपने सवाल किया ना अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश से ही करेंगे तो उनके चाचा नाराज हो जाएंगे ना, जहां से पैसा आता है। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आज तक कांग्रेस ये बता नहीं पाई जो महेश जेठमलानी ने वो तस्वीर जारी करके इनके चोरी को साफ कर दिया था कि जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह तो अपनी मम्मी के साथ राहुल गांधी चाइना क्या करने गए थे, और उन्होंने किस किस चीज पर साइन किया था, क्या था जिसपे समझौता हुआ, और राहुल गांधी क्यों समझौता कर रहे थे, राहुल गांधी किस हैसियत से कर रहे थे। चीजें बताती है कि अरुणाचल प्रदेश से यात्रा क्यों नहीं शुरू, क्योंकि कांग्रेस अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानती नहीं है, क्योंकि चीन मानता है अरुणाचल उसका हिस्सा है। तो यदि उस एजेंडे पर, वरना कायदे से आपको अरुणाचल से शुरू करना चाहिए था। आप यदि मिजोरम भी ले रहे हैं, आप ये मणिपुर यदि ले रहे हैं, तो आप अरुणाचल को, आप अरुणाचल होते हुए मणिपुर से आते, मणिपुर को टच करते, ये बताता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपकी नीयत क्या है। और मनीष जी, ताजुब की बात ये है कि ग्लोबल टाइम्स जो माउथपीस है चाइना की सरकार का, देखो उसमें एक ट्वीट किया गया, थैंक्स किया गया राहुल गांधी का कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से यात्रा शुरू नहीं की और चीन की संप्रभुता का ख्याल रखा, इसलिए उनका धन्यवाद अदा किया गया। राहुल गांधी की पूरी पोल पट्टी तो चाइना ने ही खोल दी, जैसे डोकलाम वाले इशू में जो चाय पार्टी कर रहे थे तो चाइना के एम्बेसडर ने ही फोटोज डाल दी थी, तब तो सुरजेवाला का मुंह सूज गया था, क्या बोले, याद कीजिए उस घटना को। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पोल पट्टी सिर्फ यहां नहीं, हमने अपने शो में कई बार इस कुछ को दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के पत्रकारों का धन्यवाद किया, का इस चीज को यदि फैलाना है बरखा दत्त के माध्यम से इसे मैसेज भेजो, कुछ लोग वहां अच्छे हैं। तो हमारे दुश्मनों को जब जो लोग अच्छे लगते हैं तो समझ जाइए कि उस देश के लिए क्या है। कुछ पत्रकारों को वहां दीजिए, उसमें कुछ लोगों के नाम दिए गए जो पुराने प्रिंट के अखबार के, उन सबके नाम दिए गए। ऐसा क्यों है, क्यों यही पसंद करते हैं? और ये चीजें तो साफ हो गई है, ग्लोबल टाइम्स ने थैंक्स कर दिया राहुल गांधी को, तो अब थैंक्स किस लिए किया गया है, किस एजेंडे के लिए किया गया है, क्यों हमेशा वो कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, उन्हें से क्यों पता है, क्यों ये प्रोपोगंडा फैलाया जाता है। और रही बात सुरजेवालाओं की, तो सुरजेवाला को तो बहुत नजदीक से मैंने महसूस किया, कांग्रेस इतने दिन रिपोर्टिंग की है, और मैं अक्सर कहता हूं कि जो व्यक्ति लगातार दो विधानसभा चौथे नंबर पे रहा, पीछे से फर्स्ट करने वाला व्यक्ति, 4 महीने में 2 विधानसभा चुनाव इसके हुए, पीछे से फर्स्ट किया, वो आदमी मुख्य सलाहकार है, राहुल गांधी का सबसे क्लोज है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी में क्या चलता है, इस पार्टी में इतने कद्दावर कद्दावर लोग बाहर हो गए, और एक शायर जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के तलवे चाट शायरी करता था, उसे प्रियंका वाड्रा की चापलूसी के कारण उसे इनाम मिल गया और वो महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद बन गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के इतने कद्दावर नेता है, उसमें चिरकुट टाइप का शायर ही कांग्रेस को सूझा, चिरकुट टाइप का ये रणदीप सुरजेवाला ही स्टार है, जिस मतलब ऐसे ये लोग हैं जिनका जनता में जनाधार मतलब नहीं। जनाधार नहीं है कहीं से, और ये निर्णायक हैं। अब यही नहीं है, आजकल एक नया रंगरूप जो है पैदा लिया है, बाप ने नाम रख दिया जयराम, और राम सबसे बड़ा रामद्रोही है, वो राहुल गांधी का चाणक्य बना फिर रहा है। तो समझा जा रहा है कि राहुल गांधी को ये लोग कहां ले जा रहे हैं, ये विशेष रूप से इस चीज को समझा जा सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस यात्रा का नाम रखा गया भारत न्याय यात्रा, और जैसे ये असम में आई तो याद कीजिए असम में जो कांग्रेस की यूथ विंग की प्रेसिडेंट हुआ करती थी अंकिता दत्ता, उनके पोस्टर लग गए, उन्होंने जब ये इनके यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास उन पर आरोप लगाया था उत्पीड़न का, तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया था, आज तक उनको पार्टी में न्याय नहीं मिला है। तो राहुल गांधी जब अपनी पार्टी की एक महिला नेता को न्याय नहीं दिला पाए तो किसको न्याय दिलाने के लिए वो इतनी लंबी चौड़ी यात्रा कर रहे हैं, उनको तो एक किनारे पर बैठकर मंथन करना चाहिए बजाय इसके कि वो दौड़ते भागते फिरे। एक कहावत आपने सुनी होगी अंजू जी की, चोर के दाढ़ी में तिनका वाली, तो ये तो बहुत फेमस है। राहुल जी के लिए तो अपना भी एक सुप्रीम कोर्ट में कैसा ही एक मामला आया हुआ था, इन श्रीनिवास का गला पकड़ते तो जिन श्रीनिवासों ने उन्हें उस चीज से बचाया था, फिर ये श्रीनिवासों का गैंग इनको क्या करता, सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, किसी अखबार की हिम्मत नहीं हुई, इस समय मैं सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर था, किसी अखबार की हिम्मत नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट सालों कवर भी मैंने किया है, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, याचिकाकर्ता को भारी मोटा जुर्माना लेकर के बर्बाद कर दिया गया। किसी अखबार में कम से कम ये भी तो छपता ना कि इस मामले के याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया, किसी अखबार में क्यों नहीं छापा, किसी टीवी चैनल पर एक टिकट तक क्यों नहीं चली। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मीडिया आज गुलाम है, इन चिरकुटों को आज ये सवाल करना चाहिए, सब जो खलियर हो चुके हैं आज जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, ये प्रणय जेम्स राय के चेले और चमचे पूरा गैंग जो बैठा हुआ है अभी यूट्यूब पे,
इन सब ये जो आज उठाते मुद्दे, इन सब में से सब बड़े बड़े एडिटर थे। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी करने वाला, आजकल दाढ़ी पर पेटेंट करने वाला कि पत्रकारिता में हमारी दाढ़ी हमारी ही सिर्फ रहेगी, ऐसे ऐसे चिरकुटों ने उस समय खबर क्यों नहीं उठाया? क्या किसी को पता नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर ने तो जरूर दिया होगा, हम सब ने अपने अपने चैनलों को रिपोर्ट की थी, क्यों नहीं छपी? क्यों नहीं टिक्कर चली इस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने फलाना को 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया, इतने का जुर्माना कर दिया? कम से कम ये तो खबर छपता कि चलो किसी ने मान लीजिए फर्जी याचिका दाखिल की, तो ये भी तो उसके फेवर में भी तो हो सकता था, राहुल जी के फेवर में भी तो एक खबर हो सकती थी कि इनके खिलाफ ऐसी रेप की याचिका आई और उसके उसको गलत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना कर दिया। ये खबर भी क्यों नहीं छपी? ये खबर भी अखबारों में क्यों नहीं आई? ये बताता है कि हमारा सिस्टम भाई, ये ठीक है कि चलो किसी ने गलत आरोप लगा दिया राहुल गांधी पे, ये खबर क्यों नहीं आई कि उनको जो उसको याचिका करने वाले को जुर्माना लगाया गया? तो श्रीनिवास यदि ऐसा करते तो इसका मतलब छूट है वहां। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की महिला यूथ कांग्रेस की महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी, मुझे तो पता नहीं क्यों मैं जब कवर करता था उनकी बातचीत से उन्हें बड़ी शालीनता मुझे नजर आती थी, उन्होंने भी छोड़ दिया पार्टी को इन्हीं सब अत्याचारों को देखते हुए पार्टी के अंदर में कि क्या कुछ चल रहा है। तो ये आवाज तो उठनी चाहिए दुनिया के लिए। आप कहते हैं आज आप फुदक फुदक करके कह रहे हैं कि गुजरात में जो है बिल्किस बानो में मामले में ऐसे हो गया, आज हमने क्रेडिट लेना शुरू किया। बिल्किस बानो के दोषियों को तो सजा हुई, उसे उम्र कैद की सजा हुई, वो कहां छूटे वो सब जो अपराध जिनने किया यदि, और यदि सुप्रीम कोर्ट तक से उसे सजा हुई तो बिल्किस बानो के दोषियों को सजा हुई। और राज्य सरकार ये कानून सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगे हुए हैं कि राज्य सरकार को यदि लगता है, यदि जेल प्रशासन को लगता है कि उम्र जीवन भर किसी व्यक्ति ने अपने एक अपराध के गुनाह में अपने आप को सुधार लिया है तो उसको क्षमादान मिलता है, ये राज्य सरकार का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब यदि ऐसा हुआ भी तो ठीक है आपने टेक्निकली किया जो कुछ भी है, लेकिन उसे तो सजा मिली ना अपराधियों को, उम्र कैद तक की सजा मिली, इनको क्या मिली? आपने आप उसके लिए आप बहुत बिल्किस मानों के लिए फुदक रहे हैं, लेकिन यहां अपनों के लिए ये चीजें पब्लिक देखती है। जो नैरेटिव आज से 8-10 साल पहले तक बहुत आसानी से बना लेते थे, सोशल मीडिया के दौर में ये नैरेटिव नहीं बनाते। सोशल मीडिया के दौर में हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो जनता को बताने के लिए खुले, कहीं कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं होता, इसीलिए सबके जो जो सच है वो सामने आते हैं। यही वजह है कि दक्षिण से उत्तर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया था ना, 3 बड़े राज्य हिंदी हॉटलैंड के गमाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहने के लिए मध्य प्रदेश में इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन तीनों राज्यों में जीत करके 2018 में तो यही आए थे। तो क्या वजह है कि आप तीनों राज्य में इतनी बड़ी राज्य, आप पूरी हिंदी हिंदी पट्टी जो है आपने गंवा दिया? तो राहुल गांधी की उपलब्धि भारत जोड़ो यात्रा की यही है कि 3 राज्यों के में अपनी सत्ता उन्होंने गंवा दी, और उनके चंपू चेले जो है बहुत खुश हैं। आप देखिए इनके यूट्यूबरों को, ये बड़े बड़े तोपची जो बड़े बड़े संपादक हुआ करते थे, आज कह रहे हैं ना राहुल गांधी ने बहुत बड़ा फैसला किया है, राहुल गांधी नैरेटिव चेंज कर देंगे। जो लोग 2022 में जितवा रहे थे, 2019 में जो लोग जितवा रहे थे कांग्रेस को, अब वो फिर नैरेटिव नए नए गढ़ रहे हैं। इन सबको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है। मुझे कई बार मैं कहता हूं कि अपने बच्चों इनके जो होंगे वो तो कहते हो कितना झूठ बोलते हो, कितनी मक्कारी करते हो, हर चुनाव में कहते हो कि कांग्रेस इतना सीट जीत रही है। ये योगेंद्र यादव कल हम अपने शो में हम लोग बता रहे थे, ये कह रहा था 5% लोग इस देश के जो है मोदी को पसंद करते हैं 2019 में। ये सेफोलॉजिस्ट बनता है। 2019 में 5% मोदी को पसंद करते थे और 42% राहुल गांधी को। 2019 का परिणाम देश ने देखा हुआ है क्या हुआ था। तो ऐसे ऐसे रंगरूट हैं, ऐसे ऐसे रंगरूट हैं जो ऐसे नैरेटिव गढ़ते हैं। तो इन्हें लगता है कि हम ये नैरेटिव गढ़ लेंगे इन भारत न्याय यात्रा से, हम जो मणिपुर में एक नया तांडव शुरू करवा देंगे। ये सब पब्लिक समझ रही है, मणिपुर से निकल गई कुछ भी नहीं हुआ, असम से भी ये निकल जाएंगे। ये अपनी अपनी छवि, खास करके जिस तरह से राममय भारत हो रहा है और इनके चेले चपाटे इन्हें जो बिल्कुल रामद्रोही बनाते जा रहे हैं, देखते जाइए इनका दिन की क्या गत होने वाली है। बिल्कुल राममय माहौल हो रहा है। एक तो इन्होंने जो न्योता इनको मिला राम मंदिर न्यास की तरफ से, उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया, कबूल नहीं किया हा? और ये लोग वहां नहीं जा रहे हैं, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब तो राहुल गांधी भी रैलियों में कहने शुरू हो गए कि हमने किसी को रोका नहीं है, जिसको जाना हो वो जाए। और 22 जनवरी को राहुल गांधी एक शिव मंदिर में होंगे, तो समझ में नहीं आता कि 22 जनवरी को इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि मुहूर्त ही नहीं है वहां, तो उस दिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग प्राण प्रतिष्ठा। और खुद ये सब, चाहे राहुल गांधी हो चाहे
दिल्ली के सीएम केजरीवाल हो, सबके सब 22 जनवरी को किसी ना किसी मंदिर में बैठे होंगे। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? अगर 22 तारीख को मंदिर ही जाना था तो अयोध्या ही चले जाते। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इन सबको जोकर बना दिया है। जोकर बड़ा सम्मान का होता है सर्कस में, लेकिन इन्हें ऐसा बना दिया है ना कि देश पूरा इन पे हंस रही है, इनकी दुर्गति को देख करके हंस रही है। त्रिपुंड लगा करके राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, वो अरविंद केजरीवाल, ये सब दिखा रहा है कि आखिर नकली और असली, ये सब भी त्रिपुंड लगा रहे हैं। राहुल गांधी बार बार दिखा रहे हैं तपस्वी हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। हाँ, मैं रामद्रोही हूं, भोलेनाथ का भक्त हूं। जनता सब समझ रही है। मनीष जी कैलाश गए थे, याद है ना, विवाद था, पता नहीं गए थे या नहीं गए थे, भारत की चौकी की जगह चाइना की चौकी पर चले गए थे, चाइना के चौकी को छू करके आए थे। जब कहते नहीं, देखिए आप जब सनातन परिवार से होते हैं तो आपको पता है कि आरती कैसे ली जाती है, कैसे दी जाती है, आपको पता है अक्षत कैसे डाले जाते हैं। हर चीज का एक संस्कार होता है जो सालों बच्चे जो है घर में देखते हैं, सीखते हैं। आप ये जो कुछ भी करते हैं, इनका वीडियो वायरल होता है, कोई इन्हें ट्रेनिंग देने की हिम्मत कर नहीं सकता। भैया यदि आप ईसाई माँ की और पारसी बाप के बेटे हैं तो सनातनी होने का, हिंदू होने का यदि ढोंग करना है, जेने उधारी तो कोट पे पहन करके तो ठीक है चल जा रहा है, लेकिन आप अक्सर जब आप ये सब चीजें नाटक के लिए करते हैं ना तो सब कुछ दिख जाता है, आपका समर्पण नहीं है। और नौटंकी आप इस रूप में करते हैं, उसका विरोध करने पर आप नौटंकी करने को मजबूर हो जाते हैं। आज अच्छा समय था कि ये शहर स्वीकार कर लेते कि किसी की क्रेडिट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसीलिए हम लोग इसको मान रहे हैं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा, मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि कहते हैं कि मोदी कौन होता है, मोदी कौन होता है कि ये फैसला लेने वाला, अरे मोदी होता है, वैसे मोदी ने नहीं किया है, लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारत सरकार एक ट्रस्ट बनाए जिसकी जिम्मेदारी हो कि वो राम मंदिर बनाएगा। हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अंजू जी आसमान धरती का अंतर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 का जजमेंट दिया था उसमें और 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आसमान धरती का फर्क है। 5 जजों ने सर्वसहमति से कहा ये भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत सरकार एक ट्रस्ट बनाए और ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी राम मंदिर बनाने की हो, उसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी हों। सुप्रीम कोर्ट का 7 जजमेंट है, भारत सरकार कौन है? इस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिसे चुना है, उस भारत सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट की तरफ से सब कुछ हो रहा है, आपको आपत्ति क्यों है? ये निमंत्रण वो ट्रस्ट दे रहा है और इनको दरअसल खुजली है कि मोदी क्यों। अरे मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से उसे चुना है। जब तक तुम्हें चुना था तुम्हारी तुम्हारी चलती थी, कल को जिसे चुना जाएगा वो चुनेगा। आपको इसी चीड़ क्यों है? आपको कैसे क्यों लगता है कि इस देश में 550 लोकसभा सीट में आप 40 सीट पाकर के आपकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि आप लीडर ऑफ पोजिशन बन सके और आप आज भी आपको लगता है कि मेरा राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है? दरअसल उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं, उस भ्रम से निकल नहीं पा रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका ये था कि सब कोई कहना चाहिए कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है इसीलिए हम इस चीज को मानते हैं, राम तो सबके हैं। इससे बीजेपी के नैरेटिव को ये आगे नहीं बढ़ा पाते, लेकिन ये खेल करके रामद्रोह का षड्यंत्र करके उसमें विघ्न डालने वाला राक्षस बन बन करके इन लोगों ने अपने आप को और ज्यादा नग्न कर दिया है। इन्हें देखना चाहिए कि इस देश में राम को लेकर के किस ढंग से समर्पण है। आप देखिए कैसे कैसे लोग पूछ रहे हैं, दरअसल यही असली तस्वीर है जिस देश की जनता ने को का जो देश की जनता की जो मन स्थिति था सालों तक अपने मीडिया के माध्यम से कांग्रेस ने ना समझा और ना देश को समझने दिया। और फिर सबसे ताजुब की बात यह है कि मतलब 22 जनवरी इनके दिमाग में भी छप गई है। वो ममता बनर्जी को देखो, वो काली माँ के मंदिर में पूजा करेंगी, उधर उद्धव ठाकरे भी किसी मंदिर में जाएंगे। तो मतलब हैरानी मुझे इस बात की है कि अगर आपको परवाह नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं राम मंदिर से, आप पर कोई असर नहीं पड़ रहा है अयोध्या की 22 जनवरी की तारीख का, तो फिर उस दिन आप ये मंदिर मंदिर के चक्कर काट कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? लेकिन ये जो हिमंता जी है, इन्होंने जिस तरह से गांधी परिवार को टारगेट किया है इसी यात्रा के दौरान, यहां तक कह दिया है कि गांधी सरनेम तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है ही नहीं। मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरी की पूरी गांधी परिवार की हेकड़ी या छिल उतार दी उन्होंने, उनको तो राहुल गांधी को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। देखिए कहते हैं ना कि दुखती रग, हेमंता वहां चोट मारन, हेमंता को ज्यादा पता है कि कहां चोट ज्यादा लगेगी, किस अंग में। कुछ अंग हमारे शरीर में बहुत सेंसिटिव होते हैं,
वहां जब चोट लगती है ना असह्य पीड़ा होती है, और पुलिस अक्सर वहां मारती है ना जहां पर कहते हैं ना जिसको अंदरूनी चोट ना दिखे, मतलब वो डॉक्टर दिखाई ना दे के लगे ठुकाई बहुत जबरदस्त। तो हेमंत विश्व शर्मा उस पार्टी में सालों रहे, उन्हें पता है कि चोट कहां लग रही है, तिल मिलाहट कहां होनी है। मनमोहन सिंह की आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह का जब एसपीजी वापस लिया था तो कांग्रेस कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की एसपीजी ली गई तो ये लोग तिल मिला गए। तो इस देश में कांग्रेस पार्टी की अहमियत नहीं है, इस देश में इनके ये जो जोकर है राजनीति के, जो चमचे टाइप के लोग हैं, जो जो अंग्रेजों एक गुलाम मानसिकता के लोग जो हैं, जो जो जिसका जमघट कांग्रेस पार्टी बन गई है, वहां चोट सिर्फ उस परिवार के लिए कुछ कहने पर है। भारत के प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे मनमोहन सिंह, रूल बनाया गया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के 5 साल बाद तक ही एसपीजी मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये रूल मोदी जी पे भी लागू होगा, जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटेंगे तो 5 साल बाद उनकी एसपीजी छिन जाएगी, ये रूल इसीलिए बनाया गया। तब तब तक कांग्रेस को कोई बहुत पीड़ा नहीं हुई, लेकिन पीड़ा तब हुई जब इस परिवार से भी एसपीजी छीन लिया गया कि सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के पास होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए हेमंता वहां चोट मार रहे हैं। हेमंता ने कहा सबसे बड़ा चोर परिवार है, जब हेमंता विश्व शर्मा के लिए कहा ना कि सबसे बड़ा ये सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने कहा देख सबसे भ्रष्ट परिवार है, देश का भ्रष्टतम परिवार है, तो तिल मिला गए। और मुझे लगता है कि ये पूरी स्ट्रेटजी अमित शाह की होगी कि तिल मिलाना किसके द्वारा, गांव के बूढ़े को ना कोई कई बार होता है कि कौन चिढ़ा रहा है ये महत्वपूर्ण होता है, तो पूरा गांव चिढ़ा रहा होता है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर कुछ हिस्से होते हैं, कुछ परिवार होते हैं, वो जब चिढ़ाता है तो चिढ़ ज्यादा होती है। इसीलिए आमतौर पर कोई अमित शाह यदि यह बात कह दें कि चोर है ये परिवार तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, हेमंत विश्व शर्मा जब कहेंगे उसका इम्पैक्ट होगा। और मुझे लग रहा है इसीलिए ये ठुकाई हेमंत विश्व शर्मा से ही करवाई जा रही है। और दूसरा, इंडिया अलायंस में ये जो मुस्लिम वोट बैंक की मारामारी मची हुई है और राहुल गांधी भी मियां यात्रा ही निकाल रहे हैं हेमंता के मुताबिक, तो क्या लग रहा है जब बंगाल पहुंचेगी तो लगता है आपको कि ममता बनर्जी आरती उतार के स्वागत करेंगी या किनारा कर लेंगी, क्योंकि वो तो एक भी सीट देने को अभी तक तैयार नहीं है। देखिए मुझे लगता है तो कि हेमंता कहीं शायद ऐसा सिर्फ बोल रहे हैं, ममता बनर्जी कहीं कांड न कर दे, क्योंकि बंगालियों को आप देख रहे हैं कि अब इस देश में कहीं पर भी चुनाव में हिंसा नहीं होता, बंगाल में हिंसा होता है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं ममता बनर्जी का, लेकिन आप देखिए कि वहां इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की कुटाई हो जाती है, ईडी के अधिकारी पीटे जा सकते हैं, ठंड ठंड तो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है, राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट पहन करके चलते हैं सड़कों पर। तो मुझे लगता है कि बंगाल में उन्हें चिंता बंगाल में ज्यादा करनी चाहिए। मुझे लगता है सबसे ज्यादा चिंता राहुल गांधी की इस यात्रा को बंगाल में करनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि बीजेपी उनको ज्यादा क्षति नहीं करेगी, बीजेपी सत्ता विपक्ष में है, सत्ता में आ जाएगी, बहुत से बहुत यही होगा, लेकिन कांग्रेस उनके वजूद को खराब कर सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस को यदि वो अपने साथ सटाती है तो उनकी ताकत कमजोर होगी, जो आपको दिखाई देता है कई बार ना कि ये आपका दोस्त है, दरअसल असल दुश्मन वही होता है अक्सर। इसीलिए एनडीए अलायंस कहीं सेट नहीं हो पा रहा, कहीं नहीं हो पा रहा, देखिए किसी भी राज्य में समझौता नहीं हो पा रहा है। ये लोग एक जगह जुटते तो हैं मोदी के डर से, भ्रष्टाचार में चोर में जेल जाने के डर से, लेकिन ये सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही, इनकी हो ही नहीं पाएगी। बंगाल में राहुल गांधी की यदि जय जयकार होगी तो किसकी वोट कटेगी, किसकी वोट कटेगी, बीजेपी की कटेगी क्या? बिल्कुल नहीं कटेगी, वामपंथियों की और कांग्रेसियों की कटेगी। तो इसीलिए फट रही है इन्हीं की, ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी भी जो जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने किया उससे ज्यादा सख्त इंस्ट्रक्शन ममता बनर्जी की तरफ से आने वाला है। देखिए यदि ज्यादा उत्पात यहां करेंगे तो ममता बनर्जी तो दूसरे ढंग की व्यवस्था करती है, और ममता बनर्जी तो कई रंग रूट पैदा किए हुए हैं, वो कहीं पर भी क्या कुछ होता है, मगर कुटाई कौन करेगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जिस मियां यात्रा जो हेमंता कह रहे थे उसी समुदाय के लोगों से कुटाई करवाएगी ममता, फिर कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो झूठ, क्योंकि आमतौर पर ही हो रहा है कि जहां ईडी के अधिकारी वो किस इलाके में पीटा गया अक्सर किस इलाके में होता है, तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है राहुल गांधी को बंगाल, देश में सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत इस यात्रा को बंगाल से है। बिल्कुल,
भले ही एक एफआईआर दर्ज हुई है असम में, लेकिन वहां से फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकल रही है। लेकिन बंगाल का जो मामला है, आप सही कह रहे हैं, अभी आप देखिए ना पिछले दिनों 3 साधुओं की कैसे पिटाई की गई। मतलब बंगाल में महिलाएं जो हैं रोहिंग्या की, खासतौर पर वो साधुओं से भी डर जाती हैं, साधुओं को बच्चा चोर समझ लेती हैं। तो देखो वहां पर क्या गुल खिलाया इन लोगों ने। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी ने ये न्याय यात्रा निकाली है, ऐसा लग रहा है कि कहीं बंगाल में उन्हीं के हाथों कोई कुटाई ना हो जाए, इसका ध्यान राहुल गांधी को रखना होगा। अपना जो उनका गुस्सा है, जो वो हिमंता पर निकाल रहे थे, वहां जाकर निकाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपने इस बारे में जो तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी है मनीष जी, मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम।